ग्रेविटेशन स्टार्ट कहाँ से, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर क्या था, अगर दो मासेज है सेपरेटेड बाय आर, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और जी का फॉर्मूला 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। न्यूटन लॉ वेक्टर फॉर्म में सेम, अगर एम वन एम टू दो मासेज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम ही रहेगा, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर हमने अज्यूम कर लिए आर वन टू कैप और आर टू वन कैप, वैल्यू इनकी वन ही है। तो अगर एफ वन टू वैक्टर लिखें वैक्टर फॉर्म तो स्केलर यानी कि इसकी वैल्यू और पीछे डायरेक्शन, एफ वन टू वैक्टर राइट है, आर वन टू कैप भी राइट है तो पीछे आर वन टू कैप। ऐसे ही एफ ऑफ टू वन वैक्टर मैग्नीट्यूड सेम है आर ऑफ टू वन कैप, तो इन्हें डिवाइड कर लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म आ गई, इसके अंदर आर वन टू कैप आर टू वन कैप जो है वो माइनस वन, डायरेक्शन में फर्क है, तो एफ वन टू वैक्टर माइनस एफ टू वन वैक्टर, तो फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट हैं ये पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ है, डिस्टेंस आर है, छोटा मास एम है एम जी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, छोटे एम से छोटे एम कैंसिल, स्मॉल जी का फॉर्मूला याद करना है कैपिटल एम अर्थ के मास के फॉर्म में, जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पक्का आएगा, एक क्वेश्चन कौन सा आएगा मालूम नहीं है, सारे करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑल्टीट्यूड या हाइट, अर्थ की सरफेस के ऊपर जी का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर, और एच डिस्टेंस ऊपर जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया। तो इसमें कैपिटल आर स्क्वायर या आर इसमें से कॉमन निकलेगा आर स्क्वायर, तो ये वन हो जाएगा एच बाई आर, आर स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर गया माइनस टू, बाइनोमियल लगेगी इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ऑल्टीट्यूड के साथ ये प्रूव करके आ गया आपने, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है, नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ के अंदर सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वायर, अब कितना नीचे आ चुके हो एक्स, तो डिस्टेंस कितना बच गया आर माइनस एक्स, तो ये जो अंदर का मास है एम डैश है, तो अंदर का मास ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो जी का फॉर्मूला अंदर के मास की फॉर्म में, स्मॉल जी डैश इज जी एम डैश बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहां लिखो, जब आप अर्थ के अंदर काम करती हो तो मास को लिखा जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो पूरा मास अगर एम है तो पूरा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये टर्म आ गई, और अगर एम डैश है एम डैश का रेडियस आर माइनस एक्स है, तो आर माइनस एक्स का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो जी आ गया जी डैश आ गया, दोनों को डिवाइड करके जी डैश और जी में ये टर्म कैंसिल और ये आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ ऐसे चेंज होगी, तो एक हाइट के साथ एक डेप्थ के साथ, दो रिजल्ट। तीसरा, सेंटर के ऊपर एक्स आर के इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक। अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ अर्थ, भूलना नहीं, कई बार पेपर में आता है रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ जी कैसे चेंज होगा, और कई बार लैटिट्यूड आ जाता है, लैटिट्यूड पहचानना आसान है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये अर्थ रेडियस कैपिटल आर है, ये कोई पॉइंट है स्मॉल एम, ये गोल 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 घूम रहा है, तो कितने रेडियस में घूम रहा है स्मॉल आर, तो ये रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो लैटिट्यूड क्या होता है, अगर ये पॉइंट पी है तो इसने इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाया उसको लैटिट्यूड का एंगल लैम्डा बोलते हैं, तो अगर ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस लैम्डा छोटे आर बाई बड़ा आर ये रहा, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगी बाहर की तरफ एम छोटा आर ओमेगा स्क्वायर, तो इस पार्टिकल को एक फोर्स एम जी मिल रही है और एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल मिल रही है, तो नेट फोर्स होगी इन दोनों की, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और इनके बीच में अगर एंगल लैम्डा तो ये 180 माइनस लैम्डा, तो ये आंसर आएगा, यानी कि एम जी का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम जी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो नया वेट क्या होगा एम जी डैश, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं, जी चेंज हो गया, तो इसके अंदर से कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा मल्टीप्लाई करो पूरी टर्म, तो ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म में से एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, रूट लगा हुआ है ऊपर तो एम जी बचेगा, तो ये वन आ गया, यहाँ पर एम स्क्वायर तो निकल गया, जी स्क्वायर था ही नहीं, जी स्क्वायर से डिवाइड, एम स्क्वायर निकल गया, एक जी है तो एक जी से डिवाइड, स्मॉल आर को पुट करेंगे कैपिटल आर कॉस थीटा, ये पुट कर दिया, पुट करके ये टर्म आ गई आपके पास, तो ये क्या आ गया जी डैश आ गया। सीधा लिख देना इन तीनों टर्म में से ये टर्म बहुत छोटी है, कैन बी निगलेक्टेड, इसको छोड़ देंगे, तो आपके पास दो टर्म बचेंगी,
अंडर रूट का मतलब हाफ है, बाइनोमियल लगाएंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, टू से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक, फिर पेपर में आएगा कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर जी क्या होता है, तो इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो, तो ऊपर के फॉर्मूले में लैम्डा को जीरो तो इक्वेटर पे जी आ गया, पोल्स के ऊपर लैम्डा क्या होता है 90, लैटिट्यूड 90 पुट करके जी की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये वो नहीं आएगा, बस इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में ये बताया गया पहले से शीट में कि एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी ऑल्टीट्यूड के साथ या तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हाइट छोटी है, जैसे 2,400-500 किलोमीटर, ये तब लगेगा जब हाइट 2,000, 5,000 या 3,000 किलोमीटर है। तो ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है छोटी हाइट्स के लिए। तो क्वेश्चन है कि एच बताओ, हाइट बताओ, ताकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे जाके कितनी हो जाए, 64% ऑफ जितनी वैल्यू उसकी सरफेस पे थी। तो 64% हाई वैल्यू है, शॉर्टकट नहीं लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है। तो जी डैश में 64%, जी से जी कैंसिल, सॉल्व करके एच आ जाएगा। ठीक, और रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफी वैल्यू को चेंज कर गई। वेट ऑफ द बॉडी सरफेस के ऊपर 250 न्यूटन है, तो mg 250 है। आपको बताना है कि डेप्थ r बाई 2 पे वेट क्या होगा। डेप्थ का फॉर्मूला लिख लें, g का m से मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअल वेट mg कितना है, 250 है, x की वैल्यू r बाई 2 है, सॉल्व करके आपका नया वेट आ जाएगा। तो हाइट का फॉर्मूला आ गया, डेप्थ का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है, ये डेप्थ का ही फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है इसमें। नहीं, आपने करना है, आप तो जो मर्जी करो, आपको तो सारे ही करना है, और मैं मेन चीज करवा रहा हूँ सर। रिवीजन का मतलब ये है कि ये चीजें मुझे लगता है कि ठीक है, करना तो सारा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज छोड़ोगे इसमें। पढ़ना, ओमेगा निकालना है जब इक्वेटर के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, तो इक्वेटर का फॉर्मूला लिख लो, इक्वेटर पे लैम्डा क्या है जीरो, तो इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जीरो, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया ओमेगा। ओमेगा में आर पता है और जी पता है, आंसर ठीक है। आता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने फोर्स की, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, फोर्स अपॉन मास। तो इसके अंदर ये अर्थ है, ये मास एम है और ये छोटा एम है, फोर्स क्या होगी जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ई क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के मास से इसे डिवाइड कर दें, तो जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ई के अंदर प्लैनेट का मास आता है कैपिटल एम। तो ई का फॉर्मूला आ गया, ई के फॉर्मूले को शॉर्टकट की फॉर्म में करवाया था कि क्योंकि मास कैंसिल हो जाता है, तो जहां ई निकालना है वहां मास वन रख लें, तो फोर्स निकाल दें जी एम वन बाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद कर लें, कुछ ना करें। यूनिट्स ई के क्या होंगे, न्यूटन पर केजी। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने, जैसे ये एग्जाम्पल है एम वन एम टू गिवन है। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, एम वन एम टू गिवन है, एक मास एम और है, कहां रखूं, डिस्टेंस आर है इनके बीच में, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो यहां पे एक्स डिस्टेंस पे रखें, तो ये एम वन एम को अट्रैक्ट करेगा जी एम वन एम बाई एक्स स्क्वायर, एम टू भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये और ये आपस में इक्वेट करके एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। सेम क्वेश्चन अगर ई की फॉर्म में आएगा, एम वन एम टू है बताओ और आर डिस्टेंस अपार्ट है, ये बताओ कि मैं कोई पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा जहां पर नेट ई जीरो है। अब जहां ई निकालना है वहां मास नहीं चाहिए, वहां वन रख लें। तो ये एम वन इसे अट्रैक्ट करेगा तो ई लगाएगा, और ये एम टू भी अट्रैक्ट करेगा तो ई लगाएगा। तो दोनों ई और ई को इक्वेट करके एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। कहने का मतलब फोर्स की प्रॉब्लम और ई की प्रॉब्लम वेक्टर से ही सॉल्व होनी है, वेक्टर्स के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। फोर्स एंड ई बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये अर्थ है जिसका मास m है, रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट को आपने a पॉइंट पे रखना है छोटा m। तो आपने बताना है कि a पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अर्थ की वजह से। तो रूल ये है, डेफिनेशन ये कहती है कि स्मॉल m को आप इमेजिन करें इन्फिनिटी पे ले गए, इन्फिनिटी से उठा के आप a पॉइंट पे लेके आएंगे, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। रास्ते में dx डिस्प्लेसमेंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो यहां पर फोर्स क्या होगी जी एम एम बाई एक्स का स्क्वायर। तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस जीरो, एफ की वैल्यू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर,
तो लिमिट क्या लगेगी टोटल वर्क डन निकालने के लिए, हम कहां से लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी से, कहां पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। तो लिमिट इन्फिनिटी से स्मॉल आर, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाहर आ गया, एक्स की जगह आर इन्फिनिटी पुट किया, जो आंसर आया वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, डेरिवेशन है, ठीक है, लिमिट पुट करनी है इन्फिनिटी से आर। नेक्स्ट है इसके अंदर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देना इस पोटेंशियल, जैसे अर्थ है इसका मास कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, एनर्जी इसके इक्वल है, इसको स्मॉल एम से डिवाइड किया तो पोटेंशियल, आप सिंपली कुछ ना करें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर ले सफिशियंट है, माइनस जी एम बाई आर, बात खत्म, डेरिवेशन तो आएगी नहीं, बस फॉर्मूला है। हाँ यूनिट्स देख लें, यूनिट्स हैं जूल पर केजी, ये पोटेंशियल के यूनिट्स हैं। तो चार चीजें कर ली, ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ई का फॉर्मूला इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जी एम बाई आर स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला जी एम वन माइनस जी एम वन एम एम बाई आर स्केलर क्वांटिटी, और ये पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी, इसमें प्लैनेट का मास आएगा ऑब्जेक्ट का मास नहीं आएगा, तो चारों फॉर्मूला याद होने चाहिए इसमें। नेक्स्ट है ई के वेक्टर से बताया गया इसमें कि ई और एफ वेक्टर से होंगे, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर से नहीं होगी, जैसे m1 m2 मास है एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, इसमें एनर्जी निकाल लो पोटेंशियल, तो हम कुछ नहीं करना माइनस जी एम वन एम टू बाई आर फॉर्मूला लगाओ आंसर, कोई वेक्टर नहीं कोई कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस में एक एनर्जी इसकी इसकी होगी माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन, एक इसकी और इसकी होगी और एक इसकी और इसकी होगी, तो तीन पेयर ऑफ एनर्जी को ऐड करेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे एग्जांपल्स हैं जो बता रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जीज को निकालना है इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें ये नहीं आएगा, ये कंपटीशन है सारा, इसमें से एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आएगा इस शीट में से। शेल थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो शेल थ्योरम क्या है, शेल थ्योरम कि आपके पास एक शेल है और एक सॉलिड स्फीयर है, एक शेल अंदर से खाली है, खाली है और एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये शेल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट बाहर है शेल के, तो ये शेल इसके ऊपर फोर्स क्या लगाएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर आंसर, और अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो भी आंसर रिमेन्स सेम, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ शेल थ्योरम, कि फोर्स की वैल्यू निकालना जब पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, शेल और सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं पड़ा हुआ, कहां पर पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, ठीक, पहला। दूसरा इसका सेकंड पार्ट, अगर ये शेल और सॉलिड स्फीयर है और ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो शेल थ्योरम कहती है अगर ये शेल है, शेल की वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या आएगी, जीरो। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ऐसी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स लगाएगा ये शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का मास ये रहा, तो फोर्स क्या होगी, जी इसका मास इनटू पॉइंट मास अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये एम ऑफ आर कैसे निकलेगा, अगर टोटल मास एम निकालना है तो टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अगर ये पोर्शन का मास निकालना है तो इस पोर्शन का मास इनटू डेंसिटी, इन्हें डिवाइड कर लेंगे एम ऑफ आर आ गया, इस एम ऑफ आर को ऊपर पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, उसमें तो जीरो है इसमें आर है। तो हमने चार फॉर्मूले लिखने हैं शेल थ्योरम में, शेल की वजह से बाहर कोई ऑब्जेक्ट है फोर्स क्या होगी, सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर ऑब्जेक्ट है फोर्स क्या होगी, शेल की वजह से अंदर ऑब्जेक्ट है फोर्स क्या होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर फोर्स क्या होगी, चार चार डायग्राम बनेंगे, दो स्टेटमेंट्स होंगी इसके, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके ग्राफ, इसके ग्राफ तीन ग्राफ याद करेंगे एनसीईआरटी के लिए आ सकते हैं। पहला ग्राफ एक शेल के लिए, एक शेल एक हॉलो स्फीयर है जिसको शेल बोलते हैं, मुझे इसके अंदर ई और आर का ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ई का वेरिएशन और फोर्स का वेरिएशन एक ही बात है, तो मुझे पता है किसी भी शेल जो अंदर से खाली है उसके अंदर फोर्स जीरो होती है तो ई भी जीरो होता है, तो कैपिटल आर तक ग्राफ बनेगा ही नहीं क्योंकि ई की वैल्यू क्या रहती है इसमें, जीरो। उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है, एक नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर बनाने को आएगा। तो शेल के लिए E वर्सेस R का ग्राफ बना लोगे,
सेम ग्राफ आएगा किसका, सॉलिड स्फीयर का आएगा। सॉलिड स्फीयर में अभी अभी देखा हमने कि जब सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो E भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और बाहर निकलते हैं तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो दूसरा ग्राफ, शेल के लिए E वर्सेस R, सॉलिड स्फीयर के लिए E वर्सेस R, दो ग्राफ बनाने को आ जाए तो बना लेंगे। तीसरा ग्राफ ये नहीं आएगा, तीसरा ग्राफ पोटेंशियल का आएगा। एक हॉलो स्फीयर यानी कि शेल है, एक शेल के अंदर V हमेशा याद रखना कांस्टेंट होता है, और बाहर जो V होता है वो माइनस जी एम बाई आर का फॉर्मूला फॉलो करता है, और V हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपका बनाने का कोऑर्डिनेट फोर्थ बनेगा क्योंकि V यहां पर नेगेटिव है, तो किसी भी शेल के अंदर V इज कांस्टेंट, और बाहर निकलेंगे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो V कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो बस और कुछ नहीं करना है इसमें, तीन ग्राफ सफिशिएंट है, बाकी सब कॉम्पिटिशन वाला काम है इसमें। जो शीट है शेल प्रॉब्लम नहीं करनी है एनसीईआरटी के लिए आपको, ये शेल प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, शेल थ्योरम आएगी ना सिर्फ। ये जो शीट दिखा रहा हूं जैसे शेल के अंदर शेल ये नहीं आएगा, ये तो मैंने वैसे बता दिया था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, अदरवाइज ये सारे मेंस की प्रॉब्लम है नीचे जो आई हुई है, मुश्किल डाउट है इसमें। वैसे आप अपनी एसएल की बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी की वहीं से आना जो आना है, न्यूमेरिकल तो वहीं से प्रैक्टिस करेंगे, और थ्योरी तो आप मैं करवा ही रहा हूं सारी, थ्योरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन के अंदर पहला इसमें क्या था, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये अर्थ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एच हाइट पर एक सैटेलाइट मूव कर रही है, तो सैटेलाइट वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सैटेलाइट क्यों घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। कौन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपेटल, जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये इक्वेट करके वेलोसिटी इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आ गई, कैपिटल जी एम को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये भी ऑर्बिटल आ गई। नॉर्मली क्या होता है, एच काफी छोटा होता है, एच को निगलेक्ट कर देंगे, तो वेलोसिटीज के ऊपर और नीचे फॉर्मूले में एच को निगलेक्ट करके ये आंसर आएगा, तो ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटीज है। ठीक, उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या, सैटेलाइट ने जो डिस्टेंस कवर किया 2π * r + h अपॉन उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या पुट करेंगे ऑर्बिटल, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r प्लस एच अंडर रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर इनटू r प्लस एच क्यूब बन जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। इसके बाद है अगर h बहुत छोटा है इसमें तो इसको निगलेक्ट करके ये टर्म आएगी, और कैपिटल gm को लिखेंगे स्मॉल जी आर स्क्वायर, सॉल्व करके 2π रूट r बाई जी आएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट। हाइट ऑफ अ सेटेलाइट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लें, इसको इसमें से h निकालना है तो स्क्वेयरिंग कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके r प्लस एच एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, यहां से h आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है सैटेलाइट की, ये निकाल ली हमने। टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल क्या है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और काइनेटिक क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह ऑर्बिटल पुट करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ एक जैसा है, सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आर पे लेके आए थे, इसमें आर से इन्फिनिटी, सरफेस पे ऑब्जेक्ट है उठा के इन्फिनिटी पे फेंकना है, तो वर्क डन निकलेगा, सेम केस है वर्क डन ये रहा, बस लिमिट उसमें इन्फिनिटी से स्मॉल आर थी, इसमें कैपिटल आर से इन्फिनिटी। तो कैपिटल आर से इन्फिनिटी जब पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी एम एम बाई आर। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठा के कहाँ भेजने में, इन्फिनिटी में, और ये वर्क डन कैसे होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस वी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, जिसकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और किसी एंगल पर डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है कि 45 डिग्री पे एस्केप वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मर्जी फेंक लो आंसर क्या होगा 11.2 ही रहेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ में एक सैटेलाइट घूम रही है या प्लैनेट घूम रहा है सन के आसपास, तो घूमने के लिए क्या चाहिए,
सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, स्मॉल आर डिस्टेंस एन के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी एम एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई प्लैनेट की। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी, वी को ऊपर से नीचे पुट कर देंगे, आर को अंदर लेके जाएंगे, आर क्यूब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर का थर्ड लॉ। टाइम पीरियड तो निकालना है, फिर उसके बाद न्यूटन का लॉ डराइव करना केपलर के लॉ से। तो जब एक प्लैनेट घूम रहा है सन के आसपास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपेटल एम वी स्क्वायर बाई आर, वी इसमें ऑर्बिटल है जो क्या निकलेगी 2 पाई आर बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस वी को ऊपर पुट कर दिया, टी स्क्वायर आ गया, केपलर का लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज के आर क्यूब पुट कर दिया, तो ये टर्म आ गई। और जो कॉन्स्टेंट है ये सन के मास पे डिपेंडेंट है, इसकी जगह कैपिटल जी एम लिख दिया, तो कैपिटल जी एम एम बाई आर स्क्वायर न्यूटन का फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। इसके अंदर जैसे क्वेश्चन है कि आपने सपोज एक ऑब्जेक्ट को आर डिस्टेंस ऊपर फेंक दिया, सरफेस ऑफ अर्थ से आर डिस्टेंस ऊपर फेंक दिया, तो फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस के ऊपर एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एम बाई आर, और आर डिस्टेंस ऊपर क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई टू आर, क्योंकि डिस्टेंसेस सेंटर से लेके जाएंगे। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करेंगे, कॉमन आएगा ये टर्म आएगी, स्मॉल जी की फॉर्म में निकालना है तो कैपिटल जी एम को क्या पुट करेंगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जैसे ये रहा, एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो हाइट बतानी है कितनी अटेन करेगी वो। तो ऐसे केस में एनर्जी कंजर्वेशन, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, टॉप पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू 3/4 इंटू एस्केप का स्क्वायर। टॉप मोस्ट सरफेस पे यहां पर पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। सॉल्व करके एच कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें बेसिकली क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है यहां तक।